दोस्तों प्रॉपर्टी डिमार्केशन यानी कि जमीन के सीमांकन की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि सीमांकन करने पर दोनों पार्टियों को संतुष्टि कभी भी नहीं होती है। बहुत से ऐसे कम केसेस होते हैं जिनमें सीमांकन करने पर दोनों पार्टियां संतुष्ट होती हैं। अगर आप एक एवरेज लेके चले तो 100 में 80% केसेस में ऐसा होता है कि अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी का सीमांकन कराया तो आपके जो चौहद्दी वाले हैं उन्हें किसी भी प्रकार का सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। यानी कि अगर आप सीमांकन के एप्लीकेशन करते हैं तो उसके एप्लीकेशन होने के बाद जो आपकी सीमांकन की जाती है प्रॉपर्टी का, तो 4 सीमांकन के एप्लीकेशन और लग जाते हैं। सीमांकन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि सभी को एक साथ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों ऐसे सिचुएशन में अगर आपको लगता है कि पटवारी के द्वारा किसी प्रकार की गलती की गई है या फिर पटवारी के द्वारा किसी दूसरी पार्टी का पक्ष लेकर नाप की गई है और आपकी प्रॉपर्टी दूसरे के पक्ष में बताई जा रही है, तो आप ऐसे में दूसरे पटवारी से भी अपने प्रॉपर्टी का सीमांकन करा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप अपने हल्का पटवारी से प्रॉपर्टी का ही सीमांकन कराएं। अगर आपकी ये इच्छा है कि आप किसी दूसरे हल्का पटवारी से या फिर RI से अपने प्रॉपर्टी का सीमांकन कराना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या प्रोसीजर होती है आज की इस वीडियो पे मैं पूरा प्रोसीजर बताने वाला हूँ। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ चंद्रवान चक्रवर्ती, आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। गाइस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। गाइस अगर आप अपनी प्रॉपर्टी का सीमांकन किसी दूसरे पटवारी से कराना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको परमिशन लेनी होती है। परमिशन आप अपने SDO या SDM से ले सकते हैं। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन देना होता है SDO के पास कि आप अपने हल्का पटवारी से सीमांकन ना कराकर इन पटवारी से सीमांकन कराना चाहते हैं। ऐसे में SDM द्वारा आपको परमिशन दी जाती है और उस पटवारी को नियुक्त किया जाता है आपकी प्रॉपर्टी का सीमांकन करने के लिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं किस प्रकार से इसका एप्लीकेशन बनाते हैं और SDO SDM से किस प्रकार की अनुमति ली जाती है। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फाइल मिलेगी, ये फाइल आपको वर्ड और PDF दोनों फाइल फॉर्मेट में मिलेगी। उन फाइल्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये फाइल आपके सामने इस प्रकार से ओपन होगी। यहाँ पर आपको सबसे पहले, या फिर आप इसे डिज़ाइन भी कर सकते हैं या फिर डाउनलोड करके आप मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है समक्ष श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, तहसील विजरावगढ़, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। अब देखिए यहाँ पर जो हमने ये एड्रेस डाला हुआ है एज यूजुअल, जैसे कि हम अपने तहसील का, अपने जिला का, अपने स्टेट का एड्रेस यहाँ पर डालते हैं, तो आप यहाँ पर अपना रिप्लेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी अदर तहसील से हैं तो यहाँ पर आप अपने तहसील का नाम डालेंगे, जैसे कि हमने डाला तहसील विजरावगढ़, तो आप अपने तहसील का नाम डालेंगे। यहाँ पर अपने जिला का नाम डालेंगे, यहाँ पर अपने स्टेट का नाम डालेंगे जिस भी स्टेट से हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान से हैं तो आप यहाँ पर राजस्थान डालेंगे या फिर उत्तर प्रदेश डालेंगे। नीचे आपको लिखना है आवेदक का नाम, जैसे कि यहाँ पर राम दुलारे, पिता श्री गोविंद प्रसाद कौर, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी ग्राम रमना, तहसील विजरावगढ़, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। अब देखिए यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे, एप्लीकेंट का नाम यहाँ पर डालेगा, जो भी आवेदक है, जो भी एप्लीकेशन कर रहा है दूसरे पटवारी से सीमांकन करने का, वो अपना नाम यहाँ पर डाला जाएगा। यहाँ पर आपको आवेदक कर देना है। विषय में आपको लिखना है सीमांकन बाबत। नीचे आपको लिखना है महोदय, आवेदक निम्नानुसार निवेदन करता है कि पहला आपको लिखना है यह कि आवेदक उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है, दूसरा आपको लिखना है यह कि ग्राम रमना पटवारी हल्का नंबर 26 राजस्व निरीक्षक मंडल विजरावगढ़ तहसील विजरावगढ़ जिला कटनी मध्य प्रदेश स्थित भूमि आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम पर, ये दो बार हो गया, स्थित भूमि इसको आप डिलीट कर दो, राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम पर भूमि स्वामी स्वत्व पर मालिकाना काबिज दर्ज है। तो देखिए यहाँ पर आपको अपनी प्रॉपर्टी लिखना है, जो प्रॉपर्टी जिसका भी आप सीमांकन करा रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी का आप डिमार्केशन करा रहे हैं, वो प्रॉपर्टी का एड्रेस यहाँ पर लिखना है। जैसे कि ये जो प्रॉपर्टी है रमना की है और इसका पटवारी हल्का नंबर 26 है, इसका राजस्व निरीक्षक मंडल विजरावगढ़ है, तहसील विजरावगढ़ है, जिला कटनी मध्य प्रदेश की है, तो ये आवेदक है इनके नाम पर भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज है। तीसरा आपको लिखना है यह कि उपरोक्त वर्णित कंडिका क्रमांक 2 की भूमि, कंडिका क्रमांक 2 आपकी ये हो गई, का सीमांकन हेतु आवेदन आवेदक द्वारा तहसील विजरावगढ़ में दिनांक 10/10/2020 को प्रस्तुत किया, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, किया गया था, जिसका सीमांकन ग्राम रमना पटवारी हल्का नंबर 26 पटवारी अजय सिंह के द्वारा दिनांक 26/12/2020 को मौके पर पहुंचकर किया गया। कहने का मतलब ये है कि जब आपने इस प्रॉपर्टी का सीमांकन का एप्लीकेशन लगाया था तो इस प्रॉपर्टी के हल्का पटवारी के द्वारा
जो सीमांकन है वो किया गया था 26/12/2020 को। तो ये आप तीसरी कंडिका में बता रहे हैं जिसके एप्लीकेशन आपने 10/10/2020 को किया था और सीमांकन हल्का पटवारी के द्वारा 26/12/2020 को किया गया। चौथा आपको लिखना है यह कि उपरोक्त भूमि का सीमांकन हल्का पटवारी के द्वारा किए जाने पर आवेदक तथा भूमि चौहद्दी के भूमि स्वामी संतुष्ट नहीं है, जिससे मौके पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ये आपको मेन पॉइंट है, ये आपको लिख देना है। पांचवा आपको लिखना है यह कि आवेदक उपरोक्त भूमि का सीमांकन ग्राम विजरावगढ़ पटवारी हल्का नंबर 27 पटवारी श्री विष्णु दीवान से करवाना चाहता है तथा आवेदक के द्वारा पुनः उक्त भूमि के सीमांकन का आवेदन माननीय तहसीलदार के न्यायालय में उक्त भूमि के सत्यापित खसरा नक्शा तथा चालान के साथ संलग्न कर प्रस्तुत कर दिया गया है। तो ये आपको लिख देना है पांचवें कनिका के, मतलब आपका ये जो सीमांकन है कर दिया गया है, लेकिन आप और आपके जो आजू बाजू के जमीन वाले हैं वो इस डिमार्केशन से, इस सीमांकन से संतुष्ट नहीं है, जिससे वहां पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है और आप ये चाह रहे हैं कि आप इस प्रॉपर्टी का सीमांकन, इसका सीमांकन दूसरे पटवारी जैसे कि बिजरावगढ़ हल्का पटवारी विष्णु दीवान से कराना चाहते हैं। तो इसके लिए आपने फिर से एप्लीकेशन दिया है जिसका आप सत्यापित खसरा नक्शा और चालान प्रस्तुत करके एप्लीकेशन के साथ संलग्न कर दिया है। यहाँ पर आपको प्रार्थना लिखनी है, प्रार्थना में आप लिखेंगे अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना की उपरोक्त वर्णित कनिका क्रमांक 2 की भूमि का सीमांकन ग्राम बिजरावगढ़ पटवारी हल्का नंबर 27 पटवारी श्री विष्णु दीवान से कराए जाने की कृपा करें ताकि आवेदक तथा चौहद्दी भूमि स्वामियों को संतुष्टता प्राप्त हो सके एवं विवाद की स्थिति ना बन सके। तो यहाँ पर आपको ये छोटी सी प्रेयर लिख देनी है। अब आपको इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट इसका निकालने के बाद दो प्रतियों में आपको या फोटो कॉपी करा लीजिए या तो आप इसकी दो प्रिंट ही निकाल लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको डेट डालनी है और यहाँ पर स्थान का नाम लिखना है जिस तहसील में आप दे रहे हैं ये, यहाँ पर अपने सिग्नेचर करके और आपको इसे अनुविभागीय अधिकारी के पास जमा कर देना है। एक इसकी रिसीविंग आपको ले लेनी है। अब अनुविभागीय अधिकारी यानी कि SDM या SDO के आदेशानुसार आपकी इस प्रॉपर्टी का सीमांकन के लिए जिस भी पटवारी की आपने डिमांड की है, मांग की है, उस हल्का पटवारी से आपकी प्रॉपर्टी का सीमांकन कराया जाएगा। इस प्रकार से आप अपने इच्छा अनुसार पटवारी से अपनी प्रॉपर्टी की नाप सीमांकन डिमार्केशन करवा सकते हैं। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। आज की इस वीडियो पे मैंने आपको बताया कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी का सीमांकन किसी दूसरे पटवारी से कराना चाहते हैं तो किस प्रकार से करा सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जुड़े रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय।